नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। नौगांव को 30 बिस्तरों वाले कोविड केयर की बड़ी सौगात मिली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसका वर्चुअली लोकार्पण किया। समाज सेवी धर्मेंद्र लिटोरिया तक कोरोना की दूसरी लहर के बीच क्षेत्रवासियों की समस्या जैसे ही पहुंची, उन्होंने इस कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की ठानी और नतीजा क्षेत्रवासियों को एक बड़ी सौगात में मिला। श्री हीरा फाउंडेशन की पहल लाई रंग, नौगांव के रहवासियों को कोविड केयर की सौगात। कोविड केयर सेंटर का सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने किया लोकार्पण। समाज सेवी की सराहनीय पहल की तारीफ भी की। बुंदेलखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की भले ही कमी हो, लेकिन यहां के लोगों में मानव सेवा का जुनून भी खूब है। नौगांव तहसील क्षेत्र के ननहिमो गाँव का एक युवा अहमदाबाद का बड़ा व्यवसायी और समाज सेवी है। इस युवा को जब जानकारी लगी कोरोना में नौगांव क्षेत्र के लोगों को समय पर इलाज नहीं मिला, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण रोजाना लोग परेशान हो रहे हैं, इस युवा ने करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर नौगांव के टीबी अस्पताल में 30 बेड का कोविड आईसीयू बनाने का फैसला किया। यहां पर आईसीयू वार्ड बनाने का काम शुरू हुआ। समाज सेवी ने 2 एम्बुलेंस गुजरात से नौगांव के लिए रवाना भी की। उनका संकल्प था क्षेत्र के रहवासी स्वास्थ्य सुविधाओं से महरूम ना रहे। प्रदेश सरकार कोरोना की दूसरी लहर से काबू पाने की कोशिश में उस वक्त भरपूर जुटी थी, सभी के सहयोग से इस लहर पर काबू पाने की कोशिश में थी, लिहाजा समाज सेवी की पहल को डीएनएन ने भी आगे बढ़ाया। जब सरकार तक उनकी इस पहल की जानकारी पहुंची, तो बिना देर किए पहल को सरकार ने सराहा और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस पहल का असर भी दिखाई दिया। खुद प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और कलेक्टर ने श्री सूरज हीरा फाउंडेशन की पहल को सराहते हुए टीबी अस्पताल का दौरा किया, वहां पर व्यवस्थाएं देखी और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। बड़ी बात है, बड़े होने के बाद अगर छोटा याद रखे, इसी को बड़प्पन कहते हैं। उन्होंने बड़प्पन दिखाया है सूरज हीरा फाउंडेशन में। मैं धर्मेंद्र जी का आभार व्यक्त करता हूँ हमारे बुंदेलखंड की ओर से। आज की आवश्यकता थी, वो समय पे सामयिक काम किया उन्होंने, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ अपनी ओर से भी, बुंदेलखंड की ओर से, सरकार की ओर। दौरा करने के बाद इनकी इस पहल की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची और उन्होंने भी समाज और मानव सेवा की इस पहल को सराहते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया और नतीजा ये हुआ, श्री सूरज हीरा फाउंडेशन की ओर से कोविड केयर की सौगात क्षेत्रवासियों को दी गई, जिसका लोकार्पण खुद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने किया। इस अवसर पर फाउंडेशन के चेयरमैन धर्मेंद्र लटोरिया, कोषाध्यक्ष सुभाष भाई चौधरी और सचिव जयनीत चौधरी भी वर्चुअली तौर पर मौजूद रहे। 30 बिस्तरों वाले इस सर्व सुविधा युक्त केयर सेंटर का निर्माण टीबी अस्पताल के प्रांगण में किया गया। इस सेंटर को चलाने के लिए जरूरत का सामान जिला प्रशासन को पहले ही मिल चुका था। अपने संबोधन में सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने फाउंडेशन के चेयरमैन धर्मेंद्र लटोरिया और डीएनएन के एडिटर इन चीफ राकेश अग्निहोत्री का आभार जताया। और अभी आदरणीय अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि सूरज हीरा फाउंडेशन स्वास्थ्य के क्षेत्र में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जैसी व्यवस्था के क्षेत्र में काम करना चाहता है, जिसमें बहुत कम कीमत पर, बहुत कम शुल्क पर लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं मिल जाए। मैं ऐसे किसी भी प्रयास का अभिनंदन करूंगा और सरकार उसमें अधिकतम जो सहयोग कर सकती है निश्चित तौर पर वो सहयोग किया जाएगा। गांव में शांति धाम का निर्माण, कन्याओं के सामूहिक विवाह से लेके बेटियों को साइकिल वितरण तक अनेकों प्रकल्प आपके दिमाग में है और कई चीजें मेरे सामने आ रखी गई है, क्या वो निवेश करके रोजगार बढ़ाने का सवाल हो, पानी का इंतजाम का सवाल हो। आपके संकल्प बहुत शुभ है,
और इन संकल्पों को पूरा करने में सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी। हमने कोविड की संपूर्ण लड़ाई समाज के सहयोग से ही लड़ी और समाज ने भी खुल के सहयोग किया, और इसलिए चाहे वैक्सीनेशन का सवाल हो या संक्रमण को नियंत्रित करने का सवाल, मध्य प्रदेश का मॉडल है जन भागीदारी का मॉडल, समाज के सहयोग से मिलकर लड़ने का मॉडल। और इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय धर्मेंद्र लटोरिया जी लगातार इस कार्यक्रम के लिए जो प्रयत्नशील थे, हमारे पत्रकार मित्र नौगांव के प्रति जिनके मन में गहरा स्नेह आत्मीयता और विकास की तरफ है, राकेश अग्निहोत्री जी, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आपके इन प्रयासों के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा मैंने कहा है कि जब समय उपयुक्त होगा मिलके बैठ के और भी जो चर्चा करनी होगी करके हम बाकी के विकास के कामों को भी जमीन को उतारने का काम करेंगे। आपके इस प्रयास के लिए मैं एक बार फिर आपका और पूरी टीम का और इस काम में जिन्हें भी सहयोग किया है, धन से किया हो, मन से किया हो, तन से किया हो, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। प्रशासन का सदैव सहयोग आपको। दरअसल कोविड काल की दूसरी लहर के बीच नौगांव के रहवासियों के सामने सबसे बड़ी समस्या इलाज की आ रही थी, लिहाजा सूरज हीरा फाउंडेशन के चेयरमैन धर्मेंद्र लिटोरिया तक जैसे ही उनकी समस्या पहुंची, उन्होंने खुद इसका समाधान निकाला। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी शुभारंभ के मौके पर उनकी पहल की खूब तारीफ करते हुए इसे सराहनीय कार्य बताया। सूरज हीरा फाउंडेशन गुजरात से बाहर बुंदेलखंड में समाज सेवा की कई कल्याणकारी परियोजनाएं चला रहा है, जिसमें मंदिर निर्माण, गरीब बच्चियों की शादी, शमशान घाटों का निर्माण और वृक्षारोपण शामिल है। फाउंडेशन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जन सेवा, समाज सेवा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपदा की घड़ी में जब स्थानीय लोगों को मदद की दरकार थी तो युवाओं ने श्री सूरज हीरा फाउंडेशन तक अपनी बात पहुंचाई। स्थानीय समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों की कोशिश का ही ये नतीजा है जो आज नौगांव को कोविड केयर सेंटर की बड़ी सौगात मिली है। समाज सेवी और सभी की कोशिशों की सराहना सभी कर रहे हैं। क्षेत्र को दूसरी लहर से निकालने के लिए समाज सेवियों की पहल का भरपूर असर दिखाई दिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसमें आपदा प्रबंधन की टीम ने अपना भरपूर सहयोग किया। कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसकी शुरुआत करना इतना भी आसान नहीं था। उस जिद को हकीकत में बदलने में कई लोगों ने अपना योगदान दिया जिन्होंने इसकी पहल की शुरुआत की। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ये शेर किसी शायर ने भले ही कहा हो, लेकिन इसको हकीकत में बदलने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इस दुनिया में मौजूद हैं। ऐसे ही जिद करने वाले युवा कुछ नौगांव में हैं। जिस कोविड केयर सेंटर का इनॉग्रेशन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज किया, उस कोविड सेंटर की स्थापना के पहले यानी कि जब उसका शुरुआत हो रही थी तो उस दौर में ये युवा थे जिन्होंने गुजरात के महसाणा के सूरज हीरा फाउंडेशन के चेयरपर्सन से संपर्क किया और उन्हें इस अंजाम तक आज लाए कि आज कोविड केयर सेंटर का विधिवत तौर पर लोकार्पण हो गया है। ऐसे ही युवा हैं सनातन रावत जी और हमारे सावन दीक्षित जी। ये दोनों युवा ने अपनी पूरी टीम आपदा प्रबंधन के नाम से गठित की और आप देखें कि सनातन शारीरिक रूप से आप ये कहें कि अक्षम है, लेकिन आप देखें कि सबल यानी कि जो मानसिक रूप से सुदृढ़ हैं और अक्षमताएं उनमें इतनी हैं कि वो कुछ कर गुजरने का क्षमता रखते हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस कोविड केयर सेंटर की आज जो शुरुआत हो चुकी है तो इसके लिए उनको क्या क्या संकल्प उठाने पड़े, क्या क्या प्रयास करने पड़े, ये दोनों युवा इनसे बातचीत करते हैं। सनातन जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर शुरुआत कैसे इस मुहिम की हुई।
महेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद DNN न्यूज़ का। सबसे पहले कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी, बहुत अपने पीक पर थी, उसी समय हमारे प्रेरणा स्रोत और हमेशा हम लोगों को आशीर्वाद देने वाले बड़े भाई राजेश अग्नोत्री जी ने मुझे फ़ोन कर कहा, सनातन हम केवल हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं, ये समय है कि हमें अपने नगर के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा भाई साहब 5-10 मिनट का समय दीजिए, और उसके बाद हम लोगों ने एक सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाया आपदा प्रबंधन नौगांव करके, और उसमें विचारों का आदान प्रदान हुआ कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आगे आए और हमने उस समय पे एक ग्राउंड पे रहने वाली 24/7 एक टीम गठित की, जिसमें मेरे साथ विशाल विश्वकर्मा जी हैं, राहुल सिंह जी हैं, प्रशांत नामदेव जी अभी नहीं हैं, भाई सावन दीक्षित जी हैं। एक टीम हमारी ग्राउंड पे काम कर रही थी 24/7, और साथ में देखिए संसाधनों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्लो मीटर और इन सब चीज़ों के लिए धन की भी आवश्यकता थी। तो ग्रुप में से ही नगर के बहुत सारे लोगों ने आर्थिक सहयोग देना प्रारंभ किया, और हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर नगर में जो बिजनेसमैन थे, दुकानदार थे, जिनके यहाँ रखे हुए थे, लॉकडाउन चल रहा था, बिजनेस सबका बंद था, उनसे इकट्ठे किए, उनको फिलिंग करवाई और उपलब्ध करवाना हम लोगों ने शुरू किया। तो इसकी शुरुआत इस तरीके से हुई थी। सावन जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसे संपर्क में आए धर्मेंद्र लटोरिया जी, क्योंकि ये जब जब भी बात होती है धर्मेंद्र लटोरिया जी से, वो बोलते हैं सबसे पहला फ़ोन हमारे पास सावन दीक्षित जी का आया था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि नौगांव में कोविड की दूसरी लहर का कहर भी काफ़ी तेज दिखा था, हमारे कभी ऐसे साथी हैं जो आज कोरोना के कारण नहीं रहे, उस समय हम भी होम आइसोलेट थे, तो हर एक घंटे में, 2 घंटे में कोई ना कोई सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी आती थी कि आज ये व्यक्ति नहीं रहे, आज ये व्यक्ति नहीं रहे। तब रात में 2 बजे हम लोग मोबाइल चला रहे थे, तभी मुझे दिमाग में आएगा कुछ ना कुछ ऐसा नौगांव में होना चाहिए, और सोचते रहे कि ये धर्मेंद्र लटोरिया जी का एक सपना था कि नौगांव में एक चैरिटी हॉस्पिटल उन्हें खोलना था, तो कहीं ना कहीं आज इसकी बहुत आवश्यकता है। और चैरिटी हॉस्पिटल तो बाद में खुल जाएगा, सबसे पहले कोविड केयर सेंटर के लिए अगर ये सौगात मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारी सनातन भाई साहब से भी बातचीत हो चुकी थी, उन्होंने कहा था कम से कम 30 बेड का हॉस्पिटल यहाँ नौगांव में होना चाहिए। फिर मैंने जब सुबह 9 बजे उनसे बातचीत की तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, मैं थोड़ा सा निराश हो गया, लेकिन मैं इतने बड़े धर्मात्मा कहूँ तो उनके लिए अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका फ़ोन 10 मिनट बाद जब हमारे पास वापस आता है तो उन्होंने कहा बताइए सावन जी कैसे हैं और मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। पूरी स्थिति हमने उनको बताई, 10 मिनट में उन्होंने सारे ट्रस्टियों से बातचीत की, बातचीत करने के बाद पूरे दिन हम लोग बातचीत करते रहे। शाम को उन्होंने हमसे लिस्ट मांगी, लिस्ट मांगने के बाद उन्होंने कहा कि हमने सारे सामान का ऑर्डर कर दिया है, और उसके बाद आप देख रहे हैं ये पूरा कोविड केयर सेंटर तैयार हो चुका है। आपसे जानना चाहेंगे सनातन जी कि जिस तरीके से अब ये लगभग लगभग फाइनल डेस्टिनेशन पे आ गया है, कोविड केयर सेंटर आज से ही शुरू हो गया है, तो अब क्या उम्मीदें और हैं आपको प्रशासन से, और क्या चाहते हैं आपकी जिससे सुचारू रूप से संचालित? देखिए महेंद्र भाई, हम ये चाहते हैं कि अभी कोरोना चल रहा है, अभी ये कोविड केयर सेंटर बन गया है, आगे जाके कोविड ख़त्म होगा, वैक्सीनेशन चल रहा है, हम इससे निजात पा जाएंगे, पर ये जो संसाधन सूरज हीरा फाउंडेशन ने नौगांव में जुटा दिए हैं, इस संसाधनों का उपयोग कोरोना निकल जाने के बाद जो डेली रूटीन के जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए इसका हो सके। मतलब हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे लगी मशीनरी और इसमें लगी ये ऐसे ही डंप करके डला रहे, हम लोग निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील हैं। आदरणीय धर्मेंद्र लटोरिया जी ने भी कहा है कि हम एक यहाँ पे हॉस्पिटल बनाएंगे, 700 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज की उन्होंने बात कही थी। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि मेडिकल कॉलेज ना भी वो बना पाए तो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ बना दें, क्योंकि बुंदेलखंड में अब जैसे आपने बोला है कि आप चाहते हैं कि कोविड केयर सेंटर यदि ये जैसे कोरोना के पेशेंट ना भी आए तो इसका यूटिलाइज आम जनता के लिए हो या आम पेशेंटों के लिए हो, तो इसके लिए क्या जैसे आपदा प्रबंधन टीम आपने बनाई थी, कोई मॉनिटरिंग टीम बनाएंगे कि जो मॉनिटरिंग करती रहे? महेंद्र भाई, नौगांव में या इस क्षेत्र में चल रही जितने भी कार्यक्रम हैं ऐसे लेके हम लोगों की एक ऑलरेडी मॉनिटरिंग रहती है। मैं सोशल वर्कर हो गया, सावन दीक्षित जी जो हैं हमारे पत्रकार हो गए, आदरणीय राजेश भाई साहब हैं, विशाल लोग हैं, हम लोगों को कोई टीम की आवश्यकता नहीं होती। एक उत्तरदायी नागरिक के कारण हम लोग स्वतः मॉनिटरिंग करते हैं, जहां आवश्यकता होती है कलेक्टर साहब से बात करते हैं, मेरी बात नहीं हो पाती राजेश भाई साहब को बोलते हैं, SDM से बात करते हैं, तहसीलदार साहब से बात करते हैं,
तो हमने कोविड केयर सेंटर बन गया, कोई टीम की आवश्यकता नहीं है, या आपदा की टीम तो है ही, हम अपना उत्तरदायी पूर्ण के होने के कारण इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल बर्बाद नहीं जाना। चलिए, तो ये थे हमारे साथ वो युवा जिन्होंने शुरुआत की या पहल की। तो अब विशाल भी हमारे साथ हैं, विशाल से भी जानेंगे कि विशाल, आपको अब आप लोगों की जो मेहनत थी वो रंग लाई, कैसा लग रहा है? धन्यवाद भाई साहब, पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा। ये तो मेहनत भाई साहब किसी एक की नहीं होती है, सभी पूरा नगर पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात की बात है कि आदरणीय सूरज हीरा फाउंडेशन के द्वारा, आदरणीय धर्मेंद्र लटोरिया जी के द्वारा इतनी बड़ी सौगात नगर को दी गई है। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है और मैं चाहूँगा आदरणीय लटोरिया जी से कि आगे हमारे क्षेत्र में बढ़कर और भी सहयोग करें। मैंने उन्होंने लास्ट टाइम मैंने बात की थी तो उनसे मैंने निवेदन भी किया था कि आदरणीय हमारे यहाँ पर शिक्षा की बहुत कमी है, एजुकेशन के लिए यदि आप कुछ कर सकें, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था और उन्होंने फिर कुछ दिनों बाद ही एक घोषणा भी की थी कि हम यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे। जो कि आप भी इस मुहिम से जुड़े रहे हैं, आपका क्या मानना है, अब क्या उम्मीद है? सर, उम्मीद यही है कि अब एक मेडिकल कॉलेज का जो उन्होंने बोला था तो उसमें जल्दी से जल्द कार्रवाई हो और जल्दी से जल्द मेडिकल कॉलेज है इसमें ये जो छात्र बाहर जाते हैं। तो कोविड केयर सेंटर के बाद अब युवाओं को उम्मीद है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज खुले। फिलहाल जिस युवाओं ने जिस चीज़ की पहल की थी वो तो आप देख ही रहे हैं सामने, कि इस कोविड केयर सेंटर का इनॉग्रेशन लोकार्पण फाइनली हो गया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया है। समाज सेवियों और शासन और प्रशासन के सहयोग से टीबी अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में बदला गया, जिसे लोगों के लिए खोल दिया गया है। जहां तक तमाम व्यवस्थाओं का सवाल है वो भी यहां पर पूरी कर दी जाएंगी, कलेक्टर ने खुद इस बात का भरोसा दिलाया है। सूरज हीरा फाउंडेशन के सहयोग से और प्रशासन की आप जिद ही समझे ऐसे कि जिस तरीके से कलेक्टर सीलन सिंह ने यहां प्रयास किए, इस टीबी हॉस्पिटल को कोविड केयर सेंटर में बदला और मध्य प्रदेश की राजधानी से बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके सहयोग से और सीएम हाउस के सहयोग से आखिरकार 30 बेड के आईसीयू बेड का इनॉग्रेशन लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा हो गया है। यहाँ पर जिस तरीके से आप देखें कि जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, अधिकारी सारे मौजूद हैं, कलेक्टर सीलन सिंह भी यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या सर अब क्या ये पब्लिक के लिए कल से खोल दिया जाएगा? पब्लिक के लिए आज से ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा खोल दिया गया है, जैसी इसकी आवश्यकता होगी उसका उपयोग किया जाएगा। सर, आपने बोला था कि यहाँ पर एक पाइपलाइन डालेंगे ऑक्सीजन को लेकर, उसका क्या हुआ और मेडिकल स्टाफ को लेकर क्या व्यवस्था? सभी कुछ इसमें होगा, जब ये जो इतनी व्यवस्थाएं होंगी तो बाकी व्यवस्थाएं भी। तो सर लगभग कब तक व्यवस्थाएं हो जाएंगी? हो जाएंगी, बहुत जल्दी हो जाएंगी, जैसे इसमें मरीजों की आवश्यकता होगी उस हिसाब से जल्दी हो जाएगी। ये जो सहयोग है सर, ट्रस्ट के सहयोग से ये हॉस्पिटल खुला है, तो अब क्या आप मोटिवेशनल कोई कुछ कहना चाहेंगे कम से कम? एक जो समाज के लोग हैं, जो क्षमतावान लोग हैं, उन सबको इससे मोटिवेशन लेना चाहिए कि अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। थैंक यू। पूर्व मंत्री ललिता यादव ने भी समाज सेवी की इस पहल का आभार जताया। उनका कहना था ऐसे वक्त में समाज सेवी ने पहल की है जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। हालांकि इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर पर सभी के प्रयास के बाद काबू पा लिया गया है, लेकिन अगर तीसरी लहर आती भी है तो हमारी तैयारियां पूरी हैं। उनके इस योगदान को खूब सराहा गया। हमारे साथ है पूर्व मंत्री ललिता यादव जी, कैसा अब यहाँ पर जिस तरीके से कोविड केयर सेंटर का ये इनॉग्रेशन हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पर जब मैं बैठा हुआ था तो ऐसा सुनने में आ रहा था कि अभी ये सुचारू रूप से संचालित होने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सुचारू रूप से संचालित होगा कल से या फिर अभी कुछ और टेक्निकल प्रॉब्लम? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं धर्मेंद्र लटोरिया जी को अपनी ओर से बधाई देना चाहती हूँ कि वो यहाँ तिदनी के निवासी होने के साथ उन्होंने नौगांव को इतना बड़ा वो किया है। ऐसे समय में जब हमारा पूरा देश और पूरा प्रदेश और पूरा जिला हमारा कोविड महामारी से जूझ रहा था, सारे संसाधन कम थे, ऐसे में उनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आपने कहा कि सुचारू रूप से, देखिए जब हम कोई काम बड़ा काम शुरू करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा जब हम शुरू करने के बाद जो दिक्कतें आती तो वो सही होंगी। आपको ये भी पता होगा कि छतरपुर में अभी कोई कोरोना के एक्टिव केस नहीं है, जब तक हम लोग सही कर लेंगे। बहुत बड़ी बात तो ये है कि हौसला बढ़ाना चाहिए कि ऐसे समय में चाहे वो वेंटिलेटर की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, उनने बहुत बड़ा सहयोग किया है सारे नौगांव के लोगों की प्रेरणा के कारण।
तो मैं उनको बधाई। पिछले 1-1.5 महीने से ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से जुटाई जा रही हैं मैम, जिस तरीके से आप करें, जो होगा वो तो संभावनाएं जुटाएंगी, प्रशासन उसमें मदद करेगा, लेकिन 1-1.5 महीने से आज पूर्ववत पहले से तय था कि मुख्यमंत्री इसका इनॉग्रेशन करेंगे, तो अब ये सुचारू रूप से चलेगा, यानी कि जो व्यवस्थाएं भविष्य में जुटाई जानी है उस पर आप लोग फोकस रखेंगे? नहीं नहीं, हम लोगों ने जब कई बार CM साहब के DC में भी हम लोग जब शामिल हुए तब हम लोगों ने बोला छतरपुर जिले की तरफ से कि इतना बड़ा योगदान जो सूरज हीरा फाउंडेशन वालों ने दिया है उसके लिए हमें स्टाफ और सारी जो व्यवस्था प्रशासन की रहती है उसके लिए निवेदन किया और निश्चित ही हमारा प्रदेश का प्रशासन जिला प्रशासन उसकी व्यवस्था। दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है, तीसरी लहर ना पाए यही सभी की मंशा है। खुद पूर्व विधायक गुड्डन पाठक का कहना था हमारी यही कामना और दुआ है तीसरी लहर ना आए, और आती भी है तो हमारी तैयारियां पूरी है। उन्होंने भी समाज सेवी की इस पहल को बेहतर कदम बताया। हमारे साथ पूर्व विधायक गुड्डन पाठक जी भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से नौगांव में इस जिला का एक पहला ऐसा जो तहसील सेंटर होगा जहां पर इतना बड़ा कोविड केयर सेंटर का इनॉग्रेशन लोकार्पण आज CM के द्वारा किया गया, तो अब क्या उम्मीदें हैं आपको और आगे क्या भविष्य में इसकी प्लानिंग है? क्या हमारी उम्मीद ये है, ईश्वर से विनती है कि इस कोविड वार्ड में किसी को भर्ती ना करना पड़े। हमने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। सबसे ज़्यादा असुविधा होती थी कि जब वेंटिलेटर नहीं मिलते थे, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर नहीं मिलते थे, तो इन बात को लेके हमें दूसरी जगह रेफ़र करने पड़े थे मेडिकल कॉलेजेस में। आज कम से कम हमारे पास इतनी व्यवस्था रहेगी कि वेंटिलेटर से वेल इक्विप्ड ICU वार्ड हमारे पास रहेगा, तो इस तरह की कोई इमरजेंसी आएगी तो यहाँ उसको भर्ती कर सकते हैं। पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सकों की पूरी टीम, हमें यहाँ के DMO से बात हुई थी, वो उनके नियंत्रण में रहेगा और व्यवस्थित तरीके से चलेगा। पहली कोशिश तो ये होगी कि कोविड के प्रोटोकॉल का हम सब पालन करें ताकि ऐसी नौबत ही नहीं आए कि किसी मरीज को यहाँ आना पड़े। यदि कभी किसी मरीज के आने की स्थिति बनती है तो उसको पूरी सुविधाएं यहाँ मिले, ये हमारा उद्देश्य और इस उद्देश्य में हम लोग सफल होने वाले हैं। इस तरीके से गुजरात के एक ग्रुप ने, एक NGO ने नौगांव की टीम को, नौगांव के एक्टिविस्ट को, सोशल एक्टिविस्ट के कहने पर इतना बड़ा सहयोग किया है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत स्वाभाविक बात है, समाज इसी से चलता है, राजनीति के क्षेत्र में इसी तरह से काम होता है। जब महाराज छत्रसाल युद्ध पे जाते थे तो उनको भी जो बड़े लोग गांव के होते थे वो सब लोग उनको राशन पानी से मदद करते थे, सेना की मदद करते थे। राजा जब भी अपना राज्य संचालित करते हैं तो उनको बड़े लोग, भामाशाह जैसे लोगों ने मदद की है। भामाशाह एक ऐसा नाम है जिन्होंने भारतवर्ष में इतिहास रचा कि वो व्यवसायी होके भी राजकाज में राजनीतिक संचालन करने वालों की मदद करते थे। राजतंत्र की जगह आज लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोग संचालन करने वाली सामर्थ्यवान लोग हैं उनको इसी तरह के धन्ना सेठ लोग मदद करते हैं, उन्हें करना चाहिए। ऐसे ही समाज चलता है, ऐसे चलना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक गुड्डन पाठक जी। कोविड की महामारी की दूसरी लहर में पूरे देश में और प्रदेश में कोहराम मचा था, ऐसे में BJP के कार्यकर्ता भी लगातार जमीन पर उतर कर काम कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने श्री सूरज हीरा फाउंडेशन के चेयरमैन और समाज सेवी धर्मेंद्र लटोरिया तक मदद की दरकार लगाई, जिसके बाद इसका असर भी दिखाई दिया। हमारे साथ हैं यहाँ के क्षेत्रीय जो सही आप देखें समाज से भी कहें, भाजपा के नेता कहें, कुछ भी कहें, युवाओं के प्रेरणा से सूरज मिश्रा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो कोविड केयर सेंटर का इनॉग्रेशन आज हुआ है इसमें किन वो सदस्य हैं जिनकी थोड़ी भूमिका आपको सक्रिय लगी? नौगांव में जैसे ही कोविड की ये महामारी शुरू हुई और कोहराम मचा पूरे देश में, तो यहाँ के कुछ नौजवानों ने एक आपदा प्रबंध का एक ग्रुप बनाया। उन्हीं में से कुछ कार्यकर्ताओं ने चर्चा की धर्मेंद्र जी से, क्योंकि धर्मेंद्र जी पूर्व से अपने गांव में समाज सेवा कर रहे थे, काफ़ी मकान बनवा रहे थे, गरीबों की मदद कर रहे थे। तो इसमें सावन दीक्षित जी ने उनसे बात करी, उनके बाद सनातन रावत, राजेश अग्नोत्री, इन 3-4 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। इन सबका कोऑर्डिनेशन किया भोपाल में बैठे हमारे बड़े भाई साहब राजेश अग्नोत्री जी ने। राकेश भाई साहब ने धर्मेंद्र जी से बात की, थोड़ी सी प्रशासनिक अड़चने कुछ यहाँ आ रही थी तो मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय BD भाई साहब से बात की, BD भाई साहब ने जिलाध्यक्ष महोदय से बात करी, श्रीमान शैलन सिंह जी से, तब जो भी सास की अड़चने आ रही थी वो उन्होंने BD भाई साहब ने दूर कराई, BD भाई साहब से भी धर्मेंद्र लटोरिया जी की बात राकेश भाई साहब ने कराई। तो इन सब आज जो कोविड सेंटर हुआ है तो इसका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन राकेश अग्नोत्री भाई साहब ने किया है। हम यहाँ के सब कार्यकर्ता चाहते थे कि कोविड सेंटर बने, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, उसके
बाद जब ये कोविड सेंटर बन के तैयार हुआ था तो उस समय माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत हुई, यहाँ कलेक्टर महोदय एसपी महोदय आए और राकेश भाई साहब उनको साथ लेके आए। जब धर्मेंद्र लटोरिया जी पूरी सामग्री लेके आए तो राकेश भाई साहब पूरी सामग्री लेके धर्मेंद्र जी के साथ माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ गए। वहाँ से उन्होंने भोपाल से हरी झंडी दिखाकर यहाँ ये सामान भिजवाया। कि अब ये सुचारू रूप से संचालित होगा? निश्चित रूप से, भगवान ना करे कि यहाँ फिर से महामारी फैले, लेकिन अगर महामारी फैलती है या कुछ होता है तो हमारा प्रशासन के साथ साथ सभी समाज से भी तैयार हैं, उस कोरोना का मुकाबला हम लोग करने में सक्षम हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ सूरज मिश्रा जी, जो यहाँ के यूथ ब्रिगेड के नेता यानी भाजपा के एक मोटिवेशनर के रूप में यहाँ पर रहते हैं और युवाओं का हमेशा मोटिवेशन करते हैं। अब तो आपने देखा, फाइनली आखिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कोविड केयर सेंटर का इनॉग्रेशन यानी लोकार्पण कर दिया है। कोविड केयर सेंटर की नौगांव में शुरुआत हो चुकी है और ये सेंटर बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। महामारी की इस घड़ी में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि सभी प्रार्थना यही कर रहे हैं, तीसरी लहर देश और प्रदेश को छू भी न सके। तो नौगांव के कोविड केयर सेंटर यानी 30 बेड के कोविड केयर सेंटर का अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकार्पण कर दिया है। इसमें बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष भी जुड़े, तो बृजेंद्र प्रताप सिंह प्रभारी मंत्री भी छतरपुर के जुड़े, कलेक्टर सीलन सिंह मौजूद रहे, एसपी सचिन शर्मा मौजूद रहे और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों में गुड्डन पाठक जो पूर्व विधायक हैं, पुष्पेंद्र नाथ पाठक, ललिता यादव पूर्व मंत्री और सारे जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। इस कोविड केयर सेंटर को अब पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। ये कोविड केयर सेंटर वो कोविड केयर सेंटर है जिसकी मिसालें दी जाएं तो भी कम है, क्योंकि ये युवाओं की छेड़ी मुहिम का नतीजा है और जन सहयोग का एक बेमिसाल उदाहरण है, जिसमें सूरज हीरा फाउंडेशन का बहुत बड़ा सहयोग है। उन्होंने 1 करोड़ रुपए की राशि का सामान यहाँ पर दिया है और अब जाकर इसको मरीजों के लिए खोल दिया गया है। ऐसे में उन युवाओं को, उन जनप्रतिनिधियों को, उन समाज सेवियों को, सभी में हर्ष का माहौल है। हालांकि सभी ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस कोविड केयर सेंटर में पेशेंट ना आए, क्योंकि ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कोविड का जो प्रभाव है वो कम हो। बाकी यदि तीसरी लहर की आशंका है तो फिर उसके लिए इंतजाम भी पर्याप्त हैं। नौगांव में तो कम से कम है, जो वो नौगांव हैं जो अंग्रेजों के ज़माने में छावनी हुआ करता था। छावनी एक शब्द ऐसा है कि जहां पर सेना रखते थे, अपने सेना का केंद्र हुआ करता था। ऐसे में यहां उत्तर प्रदेश की सीमा भी सटी हुई है और यहां आप देखें कि मेडिकल स्टाफ की तैनाती भी हो गई है। तो अब ये कोविड केयर सेंटर पेशेंटों के लिए खोल दिया गया है। वहीं हमारे संवाददाता राधेश्याम सोनी ने कोविड केयर सेंटर अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों से भी बातचीत कर इस पहल के बारे में जानकारी ली। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम सोनी और आप देख रहे हैं डीएनएन। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं छतरपुर जिले के नौगांव में, जहां पर सूरज हीरा फाउंडेशन द्वारा करोड़ों की सौगात देकर के एक कोविड आईसीयू का कोविड वार्ड का निर्माण किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं तमाम प्रकार की सारी सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर भी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर भी हैं और जो पलंग है वो भी सुसज्जित हैं और एसी भी लगे हुए, तमाम सुविधाएं जो मरीजों को होना चाहिए वो तमाम सुविधाएं मरीजों को हैं। तमाम आज देखेंगे, आज प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा इनका इनॉग्रेशन भी किया गया है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि स्टाफ तो पर्याप्त तेज़ पर दिख रहा है और लेकिन मरीज अभी कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा कहना है कि मरीज एक कब तक सुचारू रूप से चल पाता है, कब तक नहीं चल पाता, क्योंकि जो एक चैरिटेबल अस्पताल खुला है इसके निश्चित तौर पर जो देखा जाए तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स है और डॉक्टर्स की कमी तो साफ दिख ही रही है, स्टाफ तो पर्याप्त दिख रहा है। हम डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस प्रकार के डॉक्टर जी? सर, क्या नाम है? डॉक्टर रविंद्र पटेल, BMO नौगांव। जी सर, यहाँ डॉक्टर्स कितने हैं और स्टाफ कितना है? हमारे पास अभी कोविड के अंतर्गत जो भर्ती किए गए डॉक्टर 3 डॉक्टर हैं और 6 स्टाफ नर्स हैं। जो स्टाफ भर्ती किया गया वो सिर्फ इसी चैरिटी के लिए भर्ती किया गया? अभी ब्लॉक में जो कोविड का सेंटर बनाया गया था, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और साथ में ये जो चैरिटी हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है कोविड का सेंटर विथ ICU, उसके लिए अभी हमारे पास यही पर्याप्त स्टाफ है। क्योंकि ब्लॉक कोई भी पेशेंट नहीं निकल रहा है, एक्टिव पेशेंट, तो अभी तो यही स्टाफ है, भविष्य में आने की संभावना है ऐसा आश्वासन दिया गया। ये प्रशासन द्वारा ऐसा कहा गया, प्रशासन द्वारा भी कुछ मदद की जाएगी, तो आप बताइए प्रशासन द्वारा कुछ किस प्रकार की मदद की जा रही है? प्रशासन के द्वारा बिल्कुल पूर्ण रूपेण विश्वास दिलाया गया है कि अगर कोविड के पेशेंट आते हैं तीसरी लहर को देखते हुए, निश्चित रूप से ही मुझे स्टाफ प्रदान किया जाएगा।
जैसे कि बताया गया डॉक्टर साहब अरविंद पटेल जी ने बताया कि तीसरी लहर आते हुए अगर कोरोना मतलब जो अगर कोरोना बढ़ता है तो प्रशासन द्वारा सहयोग भी किया जाएगा। हमारे साथ कुछ स्टाफ भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी कहाँ पोस्टिंग है, आज यहाँ पे आए हुए तो कितने दिन के लिए उनकी पोस्टिंग की गई है। जी क्या नाम है आपका? खुशबू कुशवाहा नाम है मेरा। कहाँ की पोस्टिंग? यहीं हम लोगों की कोविड केयर सेंटर में हम लोगों की ड्यूटी लगी है। फिलहाल हम लोग अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कर रहे हैं बस। अभी आज यहाँ पर पहला दिन? हाँ, आज हम लोगों का यहाँ पर पहला दिन है। और भी नर्स स्टाफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी आपका क्या नाम है? प्रेमलता रावत। कब आज पहला दिन है इधर? जी कहाँ पोस्ट कर रहे हैं? नौगांव कोविड केयर सेंटर। नौगांव कोविड केयर सेंटर में स्टाफ मौजूद है और चूंकि आज यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया तो सारा स्टाफ आया हुआ है, डॉक्टर चिकित्सक भी मौजूद हैं, लेकिन ये कब तक चलता है ये देखते हैं। छतरपुर से राधेश्याम सोनी, डीएन न्यूज़। मंजिल मिल ही जाती है अगर हौसले में जान हो, ये मंजिल है श्री सूरज हीरा फाउंडेशन के उस संकल्प की जिसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है, समाज सेवा। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। डीएनएन पर खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।